हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो G54 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ 3-4 कन्फर्मेशन करनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ना अपने मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ एक बार चेक करना है कि वो कहीं दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है हमारा ब्लूटूथ जो है मोबाइल फ़ोन का वो दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्पीकर में से मोबाइल फोन के साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो इसे बंद कर देना अगर ब्लूटूथ चालू है तो। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड जो होता है, एयरप्लेन मोड आपका कहीं चालू तो नहीं है, ये भी चालू रहता है तो इससे भी साउंड की आवाज़ नहीं आती, तो इसे भी बंद कर देना है। ये भी चेक करना है कि आपका मोबाइल फोन जो है वो साइलेंट मोड पर एक्टिवेट तो नहीं है। ठीक है, साइलेंट मोड पर एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से हटा देना। अब ये भी चेक करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन की डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग अगर चालू होगी तो इससे भी आपके फोन में जो है स्पीकर की साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो यहाँ पर सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा साउंड का, इसे टैप करना है। तो इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग मिलती है, तो ये अगर आपकी डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग चालू है तो इसे आपको बंद कर देना है। ये देखिए मेरी ऑफ है पहले से। ठीक है, तो ये 3-4 कंफर्मेशन करनी है, इनमें से अगर कोई भी सेटिंग चालू रहती है तो इन्हें आपको बंद कर देना है। ठीक है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, कभी भी आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती तो आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है हैंग करता है, मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में से हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कमियां आने लग जाती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो आपका अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए पहले आपको मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पर टैप करना है, यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम अपडेट टाइप करना है, तो आपको नीचे की साइड सिस्टम अपडेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लेकर आ जाएगा, इसे टैप करना है। तो सिस्टम अपडेट के इस वाले पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे टैप कर देना, आपका फोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को रीसेट कर देना है। ठीक है, देखिए आपको अपने फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये रीसेट ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको ये सबसे नीचे की साइड ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करके आप जो अपना स्क्रीन लॉक एंटर कर देंगे तो आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरा काम यह करना है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस आप यूज करिए जितने मैंने आपको बताए, इससे आपके मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना यह है कि आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा जो आपके एरिया के आसपास होगा वहां पर आपको चले जाना, अपना फोन वहां पर दिखा देना है। हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।